एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कार्य समिति और चुनाव कमेटी से बाहर करके बड़ा झटका दे चुकी है, आगे के गेम प्लान को लेकर नया संकेत दे चुकी है, और वहां दूसरी तरफ नितिन गडकरी बड़े बड़े वादों के जरिए जनता को लुभाने में जुटे हैं। धौलाकुआं से गुड़गांव के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या जनता को हमेशा चुभती है, और अब केंद्रीय परिवहन मंत्री ने जनता को इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दे दिया है। नितिन गडकरी ने कहा, ये समस्या होती ही नहीं अगर धौलाकुआं से सीधे गुड़गांव तक फ्लाईओवर होता। कुछ दिन पहले ही गुड़गांव के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना हुआ और मेरे साथ NHAI के अधिकारी थे। मैं ट्रैफिक में फंसा और लोग भी देखकर खुश हो रहे थे कि चलो मंत्री भी फंसे। मैंने कहा, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। धौलाकुआं से गुड़गांव को पूरा डबल डेकर बनाते तो आज ये दिक्कत क्यों होती। अभी इस योजना पर काम चल रहा है कि क्या धौलाकुआं से आगे फ्लाईओवर बीच बीच में तोड़कर एक ही पिलर पर दो लेयर फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। इसको वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज भी है। इस फ्लाईओवर पर एक बार चढ़े तो सीधे गुड़गांव के बाहर निकलेंगे, हालांकि इसमें बीच बीच में उतरने का रास्ता भी होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सांगली के पास बीच बीच में ब्रिज तोड़कर बनाया है। चेन्नई और पुणे में दो ऐसे रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसमें नीचे ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर भी फ्लाईओवर। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। डबल डेकर सड़कें आज की जरूरत है। दिल्ली और मुंबई के लिए ऐसी सड़कों की जरूरत है जिसमें नीचे रोड, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो हो। किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की दिक्कत ना हो, इसे लेकर नितिन गडकरी ने कहा, हमारी योजना है कि सड़कों और फ्लाईओवर में अब कम आर्य वर्ग वाले लोगों का पैसा लगे। 10 लाख का निवेश करने पर हर महीने 7 से 8% ब्याज मिलेगा। इसमें लोगों का पैसा लगेगा क्योंकि अब बैंक में तो ब्याज कम होते जा रहे हैं। इसके बाद उद्योगपति और विदेशी निवेश का ऑप्शन होगा। वो रोड के नहीं, सही मायने में एग्रीकल्चर के आदमी हैं। मेरी एक NGO है जिसमें मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। इसका थीम है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए, और रुकने वाले पानी को जमीन के अंदर के लिए करना है। अगर गांव का पानी, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में रहे। आपको बता दें, नितिन गडकरी पर BJP के कड़े फैसले के बावजूद उन्होंने जनता के हित में बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिससे साफ मालूम पड़ता है कि उनका सबसे बड़ा ध्यान फिलहाल जनता का विश्वास जीतने पर केंद्रित है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।